हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F34 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में, अगर आपके मोबाइल फ़ोन का वाईफाई कनेक्टेड होता है, वाईफाई कनेक्टेड होने पर भी वाईफाई का इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारा वाईफाई मोबाइल फोन का कनेक्टेड होता है लेकिन वाईफाई का इंटरनेट नहीं चलता है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो अपने मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करना है, ठीक है। मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन के सामने वाला पेज आएगा, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन जो है वो हैंग करता है, ठीक है, वाईफाई कनेक्ट होने पे इंटरनेट नहीं चलता है, ऐसी बहुत सारी एंड्रॉइड सिस्टम की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन के ना नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है, ठीक है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे फोन की जो नेटवर्क सेटिंग होती है ना वो ठीक तरीके से काम नहीं करती कभी कभार, जिसके कारण हमारे फोन में वाईफाई की इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है। तो आपको अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज के अंदर आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन पर टैप करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको नीचे रीसेट का ये ऑप्शन शो होगा, रीसेट पर टैप करना है। आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली रीसेट की सेटिंग में लेकर आएगा, रीसेट पर टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको ये नीचे रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर टैप करना है। अब इसके अगले पेज में रीसेट सेटिंग का ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको रीसेट पे टैप करना है, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा नेटवर्क सेटिंग रीसेट। इस तरीके से आपको मोबाइल फोन के ना नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देना है, जिससे आपके वाईफाई की इंटरनेट की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है ना अगला प्रोसेस करना क्या है, देखिए दोस्तों आपको है ना अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर कभी अपडेट आता है तो कभी कभार पता नहीं लगता है कि अपडेट आया हुआ है, ठीक है। तो मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो अपडेट ना होने के कारण भी हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर ना कुछ कमियां आने लग जाती हैं। तो आपके मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट है या नहीं आपको चेक कैसे करना है, देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले तो मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको जो है अपने मोबाइल फोन का ना सेटिंग पेज ओपन कर लेना है, ठीक है। सेटिंग पेज ओपन करेंगे, इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन पर टैप करना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको टाइप करना है, सॉफ्टवेयर अपडेट। तो आपको नीचे ये सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन शो होगा, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सॉफ्टवेयर अपडेट के इस पेज में लेकर आएगा, आपको ऊपर की साइड डाउनलोड इंस्टॉल पर टैप करना है। तो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट के इस वाले पेज पर अगर कोई भी अपडेट का बटन दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है, इससे आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और आपके वाईफाई के इंटरनेट की प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो ना आपको अगला प्रोसेस करना क्या है, देखिए दोस्तों आपके घर में जो वाईफाई राउटर आपका जो कनेक्शन आपने ले रखा है ना, वाईफाई कनेक्शन, उसका जो राउटर होता है उसका जो प्लग होता है ना, मेन प्लग होता है, उसे आपको बिजली के बोर्ड से, अपने घर के बोर्ड से उसको निकाल के उसे दोबारा जो है बोर्ड में प्लग कर देना है थोड़ी देर में, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको थोड़ी देर वेट करके आपको जो है फिर से अपना वाईफाई कनेक्ट करके देखना है कि इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है, इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं कोई भी, तब आपको फोन को रीसेट कर देना है, अदरवाइज फोन को रीसेट नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहां पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, तो आपको नीचे रीसेट का ये ऑप्शन शो होगा, रीसेट पे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको रीसेट की सेटिंग में लेकर आएगा, रीसेट पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको सबसे नीचे फैक्ट्री डेटा रीसेट पे आपको टैप करना है, इससे आपका मोबाइल फोन रीसेट हो जाएगा और आपके वाईफाई की इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात यह ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपके वाईफाई के इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।